नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हिमाचल प्रदेश की आज की कोरोना वायरस अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हिमाचल प्रदेश में अब तक 67 यानी कि 67 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो किस जिले और किस जगह से नए मामले सामने आए, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। HRTC के चालक, परिचालक, ऊना अस्पताल की दो नर्सें कोरोना पॉजिटिव, प्रदेश भर में 67 संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 67 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सिरमौर में 26, कांगड़ा में 17, ऊना में 12, चंबा में 7, हमीरपुर में 4 और बिलासपुर में एक मामला सामने आया है। सिरमौर जिले में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। रविवार को जिले में 6 माह की बच्ची, HRTC के चालक, परिचालक समेत 26 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से अधिकतर नाहन शहर से संबंधित है। पहले से संक्रमित के प्रारंभिक संपर्क में आए कच्चा टैंक के 7 लोग एक साथ पॉजिटिव आए हैं, जबकि शहर के अन्य हिस्सों में भी कोरोना के नए मामले आने से हड़कंप मच गया है। शहर में संक्रमित पाए जाने वाले जो जाने वाले हैं उनमें अधिकतर कालांब के उद्योग में कार्यरत कर्मचारी भी बताए जा रहे हैं। पॉजिटिव मामलों में कच्चा टैंक नाहन में 7 मामले एक साथ सामने आए हैं, जहां 7, 13 और 14 वर्ष के बच्चों के साथ ही 26 वर्ष का युवक, 63 और 81 वर्ष के बुजुर्ग भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा तालों सेरटा में 6 माह की बच्ची, 54 और 46 वर्ष के व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं। HRTC में कार्यरत 26 और 38 वर्ष के चालक, परिचालक भी संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा नाहन के गाड़ा में 20 वर्ष तथा ढाबों मोहल्ला में 45 वर्ष का व्यक्ति पॉजिटिव आया है। शाम को आई रिपोर्ट में 12 और लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें पहले संक्रमित हुए एक शख्स के संपर्क में आने से ITI नाहन क्षेत्र से 2, रामकुंडी में 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो नाहन के गाड्डा में 20 वर्ष तथा ढाबों मोहल्ला में 45 वर्ष का व्यक्ति पॉजिटिव आया है। बात करते हैं ऊना जिले की, तो ऊना जिले में कोटला कलां के 5 लोगों समेत 12 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के 2 नर्सें भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। 3 परिवारों के 6 सदस्य भी जाँच में कोरोना संक्रमित निकले हैं। कांगड़ा जिले में 17 और चंबा में 7 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। हमीरपुर जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं, वहीं 9 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बिलासपुर जिले में 1 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। तो ये थी आज के कोरोना वायरस अपडेट। आज अब तक हिमाचल प्रदेश में 67 नए मामले सामने आ चुके हैं। किस जिले और किस जगह से सामने आया आपको इस वीडियो में बताया गया। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल पर आती रहेंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह किसी और महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के साथ।